फ्रेंड्स, मैं कुटुंब ऐशा मगर गुरु। फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 के बारे में ये वीडियो है। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है? अब वैसे बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अभी तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, तो क्या हो सकता है? तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया है, जो भी IIT मद्रास की रिपोर्ट है, जिस तरह से माल प्रैक्टिस उस रिपोर्ट में नहीं दिख रही है, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उससे पहले NTA ने एक एफिडेविट में ये बोला हुआ है कि हम 3rd week of July से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं राउंड 1 की ऑल इंडिया कोटा की। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में NTA का ये भी कहना है एफिडेविट में कि अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है माल प्रैक्टिस में तो उसका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है, उसकी सीट कैंसिल की जा सकती है, क्योंकि 3rd round की काउंसलिंग जो है वो 2nd week of September तक जाएगी। तब तक इस मैटर का लगभग सब कुछ हो चुका होगा। जितने भी कैंडिडेट्स माल प्रैक्टिस में पाए जाएंगे उन सबकी काउंसलिंग रद्द कर दी जाएगी, उनका सीट रद्द कर दी जाएगी और नेक्स्ट राउंड के लिए वो वैकेंट हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में NTA का ये कहना है कि इससे इस डिसीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उससे काउंसलिंग पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब NTA का पूरा ये मानना है कि मास लीकिंग नहीं हुई है। इस बात से तो ये कंफर्म हो गया, क्योंकि NTA अगर ये 23rd of July से काउंसलिंग स्टार्ट करने की बोल रहा है तो उसके मन में तो ये है कि माल प्रैक्टिस मतलब मास लेवल पर चीटिंग नहीं हुई है, और ये IIT मद्रास की रिपोर्ट में भी साबित हो रहा है। अब वो रिपोर्ट में क्या था, कैसा था, वो मैंने आपको डिसाइड मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। वो गलत है, सही है, किस बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाई है, 25% सिलेबस कम हुआ इसकी वजह से ऐसा स्टिप आया है, ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन NTA पूरा ये मान के चल रहा है कि उसकी तरफ से काउंसलिंग 3rd week of July से स्टार्ट होगी और ये 30 October तक जा सकती है काउंसलिंग। ओवरऑल फाइनल स्टे राउंड तक 30 October तक ये काउंसलिंग चल सकती है। तो सिंपल सी बात है, तब तक आप लोग क्या करें कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, काउंसलिंग की प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में सबूत जाएगा उसी बेस पे वो जजेस अपने निर्णय को दिखाएंगे। तो आपको पता है कि अभी तक क्या क्या सबूत जा रहा है, कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, कुछ लोग CBI की रिमांड में भी जा रहे हैं, कस्टडी में भी रखे जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे ये प्रूफ होता है कि मास पेपर लीक हुआ है? क्योंकि जो डाटा मैनिपुलेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसके हिसाब से तो IIT मद्रास की रिपोर्ट में ये साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से, आपके हिसाब से हो सकता है हो रहा हो, मेरे हिसाब से हो रहा हो, लेकिन वो एक संस्था है, उस संस्था ने बताया है कि ऐसा कोई माल प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमारा और आपका क्या कहना है इससे सुप्रीम कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो संस्थाएं हैं वही जो डिसाइड करेंगी उसी के बेस पे निर्णय हो सकता है। तो काउंसलिंग आपकी 22 या 23 जुलाई से या फिर 25 जुलाई से पहले आपकी स्टार्ट हो सकती है और 30 October तक जा सकती है फाइनल काउंसलिंग। दैट्स ऑल।